सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निकल रहे हैं अभी हैदराबाद। हमारी फ़्लाइट है 9:45 पे हैदराबाद की, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद। अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट से हैदराबाद। और बाकी इस बार और सुंदर जगह जा रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहें। हमारी कैब आ गई है, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। थोड़ा सा डाउन हुए क्योंकि हम लोग बोर्डिंग यहाँ से हो रही है, हमारी प्लेन ये खड़ी है और बोर्डिंग करा के निकलते हैं आगे की तरफ। अभी हम लोग हैदराबाद की एयरपोर्ट पे हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग करना होगा या। अभी हम हैदराबाद के बिजनेस लॉन्च में हैं। यहाँ आप खाना ये सब वेज नॉन वेज सब कुछ यहाँ आप लोग ट्राई कर सकते हो। आप पनीर, चिकन, दाल सब कुछ यहाँ मिलेगा। ये रेस्टोरेंट एरिया है यहाँ का और लॉन्च का। ये बिजनेस क्लास लॉन्च है जो आपके क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफर आता है, एक्सिस बैंक का हो गया, HDFC बैंक का, तो उस पर मिलता है कुछ कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक रुपये लगता है बाकी यहाँ सब कुछ मिल जाता है एक रुपये में। और वहाँ रेस्ट एरिया है। और यहाँ से काफ़ी बढ़िया शानदार व्यू भी आता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं कैपेचिनो पी रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से ये व्यू आता है। वाह क्या सीन है। आराम से लेट के आप इस व्यू का मजे ले सकते हैं, आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो बिजनेस लॉन्च से हम लोग बाहर निकल रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू आउट। अभी हम लोग की फ्लाइट बोर्ड हो रही है तो हम लोग गेट नंबर 21 पे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बोर्ड करा लिए थे, एकदम लास्ट में आए यहाँ पर, और अभी बोर्ड करा के हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने प्लेन में निकल रहे हैं। यहाँ से बोर्ड हो गया था, फाइनल कॉल था, पता नहीं जहाँ फ्लाइट चली ना गई हो। तो अभी हम लोग हैदराबाद से कुछ के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं केरला के कुची में और लगेज लेने जाए। कितना प्यारा है यहाँ का एयरपोर्ट, कितना सुंदर है, टाइल्स, मार्बल, और यहाँ पर सारा काम डिसिप्लिन से हो रहा है, मतलब काफ़ी पारिवारिक माहौल है। नहीं, प्यारा एयरपोर्ट है। तो अभी हम लोग केरला एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, यहाँ से जाएंगे होटल। तो अभी बज रहे हैं रात को 12:30, हम लोग आए थे अपने होटल के नीचे। ये हम लोग का होटल है जो केरला में आज हम लोग का फर्स्ट डे है। नहीं, होटल चहल नहीं है, शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। होटल जिम, ये जिम का होटल है, ये एयरपोर्ट के बगल में है। यहाँ से थोड़ी दूर पे 200 से 300 मीटर पे ये वो है, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट होटल नॉर्मल सा है। तो अभी हम लोग अपने रूम में चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को रूम टूर मैं कल सुबह दूंगा। और फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, बहुत प्यारी नींद आई, बहुत अच्छे से सोया, थका हुआ था। अभी मेरा कुची में फर्स्ट डे है, अभी नहा वहाँ के। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। निकलता हूँ यहाँ से, मैंने सेल्फ ड्राइव कार बुक की है अपने लिए, तो चलता हूँ वो लेता हूँ, फिर यहाँ का केरला एक्सप्लोर करते हैं फिर साथ में। बस उठना है, फ्रेश होना है।
अभी हम लोग हो गए हैं तैयार, अब तैयार होके निकल रहे हैं। आपको रूम टूर करवा देता हूँ। ये यहाँ चाय वाय बनाने का सिस्टम, ये बेड था, बुक्स वगैरह रखी थी, प्रेस वगैरह था, और रूम से जैसे सिटी व्यू था, कुछ खास नहीं बट ये था। और बाकी कपड़ा हम लोग पहन रहे हैं, ये बेड यहाँ खूबसूरत है, वाई फाई वगैरह लगा था, लॉक वगैरह, जो वॉशरूम था जहाँ गर्म ठंडा पानी दोनों आ रहा था, बस ये कुछ सिस्टम है, सिंपल रूम था। और सेल्फ ड्राइव कार, अब निकल रहे हैं हम लोग केरला एक्सप्लोर करने, पूरा केरला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सुंदर सा ये। अब केरला एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से मुनार के लिए निकल दिए हैं। मेरी पहली जर्नी स्टार्ट होती है कुच्ची टू मुनार। कुच्ची हम लोग स्किप कर रहे हैं, कुच्ची नहीं घूमेंगे, अगर लास्ट डे टाइम रहेगा तो कुच्ची घूमने के लिए। तो अभी मैं सीधा निकल रहा हूँ हिल स्टेशन मुनार, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील मालदार है, मतलब अच्छा जगह है। तो अभी चलते हैं फुल जोश में मुनार। यहाँ से 120 किलोमीटर है, 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है, आराम से घूमते हुए 5 घंटे में पहुँचेंगे, कोई चक्कर नहीं, 5 बजे पहुँचेंगे शाम को, कोई चक्कर नहीं। कल दोपहर तक मुनार घूम के, आज दिन में घूमेंगे मुनार, कल घूमेंगे मुनार, कल दोपहर तक घूम के फिर वहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन निकलेंगे, ठीक है। ये मेरे पास है अब 4 दिन, 5-4.5 दिन के लिए ले लिया हूँ इसको, और इसको लेके खूब घूमा जाएगा खूब। कुच्ची सिटी बढ़िया है बट यार गर्मी बहुत है यहाँ। अगर आप एसी यहाँ पर फुल पे नहीं चला रहे हो ना भाई, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतनी गर्मी है यहाँ। देखो मेरी एसी फुल एकदम 4 पे चल रही है, तो गर्मी बहुत है, बस और कुछ नहीं। बाकी सिटी मस्त है, रूल रेगुलेशन, साफ सफाई, ये सब बहुत बढ़िया है। ये छोटा सा पुल, ये केरला के ये झंडे जो लगे ना, केरला में जो इस समय रूल कर रहे हैं, जो सीएम है, उनके पार्टी के फ्लैग हैं। प्यारी सी नदी है, मुनार वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा, और घूम रहे हैं बढ़िया से भाई। यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसको पहाड़ों में कार चलाने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और वैसे पहाड़ नहीं, जो नैरो वाले पहाड़ होते हैं वहाँ, क्योंकि यहाँ सिंगल वे है और नैरो वाले पहाड़ में बहुत पतले रोड हैं। मैं मनाली जाता हूँ तो उसके रोड तो चौड़े हैं, सिंगल वे है लेकिन रोड चौड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत नैरो हैं रोड। और ये देखिए कर्व कितना खतरनाक वाला, ये मनाली वाला कर्व याद आ रहा है, मनाली से जब शिलोंग जाओ वो वाला कर्व है ये। तो अभी मुनार के रास्ते में हम लोग एक जगह रुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लॉक नहीं हो रही है क्या गाड़ी यार, लॉक हो गई। तो मुनार के रास्ते में रुके हैं, यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके, ये गाड़ी है हम लोग की, यहाँ से थोड़ा नाश्ता वगैरह करके फिर निकलेंगे मुनार की तरफ खाना वगैरह करके। हम लोग यहाँ हाईवे पे रुके हैं, हाईवे पे हम लोगों ने थोड़ा सा बटर चपाती एंड चिकन मंगाया है। यहाँ पर ये आप लोगों को वेलकम ड्रिंक देते हैं हर हाईवे पे और रेस्टोरेंट पे, ये आयुर्वेदिक पानी होता है, जड़ी बूटियों से बना हुआ ये पानी, लेकिन थोड़ा सा ये कलर आता है, तो ये आयुर्वेदिक पानी होता है, ये आपको ज़रूर मिलेगा हर रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ हम लोग खाना वाना खा के अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग फिर से दोबारा अपने रूट। केरला में एक चीज़ देखना और मेरे ब्लॉग में भी देखते रहना, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है केरला में, जो रूल कर रही, जो सीएम की पार्टी है, जिनका झंडा है ये, मतलब पूरे केरला में किसी और पार्टी का झंडा, पॉलिटिकल पार्टी का झंडा अभी तक मैंने नहीं देखा, देख रहे हो इतने भयानक। और पूरे रोड पे मतलब अभी मैं 70-80 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी और पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का, कहीं का भी मैं अगर झंडा पाऊँ, लेकिन ये पार्टी भैया, इसीलिए अब समझ में आया कि बीजेपी यहाँ क्यों नहीं जीत पाती है एक भी सीट, बस यही है, जलवे हैं इनके, तो जलवे हैं मुन्ना भैया के, किसी और को यहाँ पर होने ही नहीं देते थे। तो अभी प्यारे से मुनार यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, क्या समा है, क्या बताऊँ अब।
तो अभी हम लोग मुन्नार पहुंचने वाले हैं और यहाँ भी वो हमारे पार्टी का जो झंडा है, मतलब हर जगह इनका जाओ जैसे लग रहा है मतलब स्विट्जरलैंड में आ गया हूँ। ये देख रहे हो क्या व्यू है, क्या सिनेमैटिक व्यू। बस का मेन मार्केट है ये, हम लोग अभी कार से ही टहल रहे हैं थोड़ा, अभी यहाँ से लेके यू टर्न जाएंगे, उधर होटल खोजेंगे, उधर थोड़ी शांति थी। मुन्नार थोड़ा स्विट्जरलैंड की तरह लगता है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है मुन्नार, छोटा सा है बट प्यारा बहुत है। ऐसे किसी रास्ते पे निकल चले हैं घूमने, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा अच्छा लग रहा था। होटल ले लिया है अभी हम लोग मुन्नार के व्यू पॉइंट से निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। ये आप लोगों को एक बार ये व्यू पॉइंट दिखा दूँ, सनसेट हो रहा है बढ़िया, ये व्यू पॉइंट है यहाँ का। और अभी मैं निकल रहा हूँ, मेरे पे किसी का फ़ोन आ रहा है, एक मिनट ज़रा चेक करूँ। डॉक्टर शेख का फ़ोन आ रहा है गाइस, हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं करता हूँ आपको। बहुत टॉप पे कहीं हूँ खेतों के बागान में, करता हूँ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, गाड़ी में बैठ जाएं, वही गाना लगाना जो चल रहा था, इसको पीछे रख दो ना। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं कहीं दूर इन घटाओं, गाना चलाओ, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगा गाना अपने आप। गाना लगाया हो ना तुम? बढ़िया जगह है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बस अंग्रेज मिलेंगे आपको, गुजराती मिलेंगे। ओवरटेक जल्दी यहाँ लोग नहीं करते। जो एकदम से माउंटेन ड्राइवर हो ना वो वही यहाँ पर है, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा। और केरला में जब आप मुन्नार आए तो यहाँ पर किसी और के लोकल के चक्कर में मत फंसिए, आप नेट पे देखिए या होटल चले जाइए अपने कोई होटल से, वहाँ से ले लीजिए कौन कौन से व्यू पॉइंट हैं, वो ऐसे लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप अपने से छाट वाट लीजिए, उसमें से आप घूमिए, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। उधर से दिखाओ भाई मेरे, हम लोग भी कोई पार्क वार्क है वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या।
तो अभी यहाँ की चिकन करी आई है, चिकन करी और चपाती, और अभी हमने ऑर्डर किया है यहाँ का स्पेशल फिश फ्राई। ये है यहाँ की स्पेशल फिश करी, फिश फ्राई।